सर लाइफ में जब भी कोई सिचुएशन आती है कि जिसमें दो रास्ते, एक प्रैक्टिकल और एक इमोशनल, तो बैलेंस आउट कैसे करना है? इमोशनल और प्रैक्टिकल में हमेशा विरोध नहीं होता है, कभी कभी साथ भी चल सकता है। और सिर्फ इमोशनल कुछ नहीं होता, सिर्फ प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता, प्रोपोर्शन का डिफरेंस होता है। जब इमोशंस आपके दिमाग पर बहुत हावी हों तो फैसला करने से बचना चाहिए, स्पेशली बड़ा फैसला। छोटा तो ठीक है कि आपके दोस्त ने कहा कि दोस्त नहीं एक फिल्म देखेगा मेरे साथ, आप इमोशनल हो जाके देख ली फिल्म, क्या हो गया, कोई नुकसान नहीं हुआ। पर कोई ये कहे कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, शादी नहीं कर सकते मुझसे और हमने शादी कर ली, ये ठीक नहीं है। सिर्फ इमोशंस में आके बहुत बड़ा फैसला मत कीजिएगा, चाहे वो करियर का हो, चाहे पार्टनर का हो, चाहे कोई भी फैसला हो। प्रैक्टिकल इतना नहीं हो जाना है कि आप मशीन, रोबोट या पत्थर बन जाएं, क्योंकि आप कितने भी सक्सेसफुल हों, यदि आप इमोशनली सक्सेसफुल नहीं हैं, इमोशनली स्टेबल नहीं हैं, इमोशनली वेलबींग के स्टेट में नहीं है, तो आपके सक्सेस किसी काम के नहीं है, एकदम मीनिंगलेस है। सो द सक्सेस इन टोटैलिटी नीड्स इमोशनल हैप्पीनेस, इमोशनल स्टेबिलिटी एज वेल। इसलिए इमोशंस को खारिज करके जिएंगे तो शायद कुछ अचीवमेंट्स बड़ी हो जाएं, पर वो किसी काम के नहीं हैं। केवल इमोशंस पे चलेंगे तो हो सकता है कि अचीवमेंट जिंदगी में ज़्यादा हो ना पाएं। तो बैलेंस की बात है। और सबसे अच्छा तरीका है, जब बहुत इमोशंस हों, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो, सिर्फ एक तरीका मैं जो अपनाता हूँ, उस क्षण में फैसला नहीं करना है। कुछ भी हो, कोई कितना भी प्रेशराइज करे, सिर्फ इतना बोलिए कि मैं 24 घंटे बाद बताऊंगा आपको, थोड़ा सोचूंगा इस बारे में। और यदि आपने उस मोमेंट से खुद को बाहर निकाल लिया तो फिर आप डिटैच होकर देख पाएंगे, और थोड़ा सा प्रैक्टिकल एलिमेंट भी रहे, इमोशनल एलिमेंट भी रहे, वो फैसले सबसे अच्छे रहेंगे लाइफ के लिए। मैं आपको एग्जांपल से बात समझाता हूँ। ऐसे लोग जो तैयारी कर रहे थे, अफेयर में थे, एक का सिलेक्शन हो गया, अब उसके सामने क्राइसिस ये है, स्पेशली किसी लड़की का हो गया, लड़के का नहीं हुआ। अब हमारी सोसाइटी में ना, लड़की ऊंचे पद पे हो, लड़का ना सफल हुआ हो, तो बड़ा मुश्किल है सोसाइटी में, उनको शायद दिक्कत नहीं है। अब वो लड़की प्रैक्टिकल नहीं है कि मैं तुमसे शादी करूं, ये कह के अगर हट जाती है और शादी करती है किसी ऐसे व्यक्ति से जो बहुत सफल है। आई नो मैनी सच पीपल पर्सनली, मैं नाम नहीं बोल सकता किसी का, मैंने जनरली पाया है कि वो लोग लाइफ में बहुत फ्रस्ट्रेशन में रहे बाद में, क्योंकि सफलता के नाम पर, प्रैक्टिकल होने के नाम पर ऐसे व्यक्ति को चुना जिसके साथ वो रह नहीं सकते ठीक से। और मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो IAS बने, IPS बने, जिनको करोड़ों रुपए के दहेज के ऑफर्स आए, साफ ठुकरा के कहा कि मैं ज़िंदगी एक ही व्यक्ति के साथ गुजार सकता हूँ जो मेरे साथ है, और हैं बहुत खुश हैं। अब कोई कह सकता है उनके परिवार में कि इसने प्रैक्टिकल फैसला नहीं किया, इमोशनल फैसला किया, पर अल्टीमेटली किसी चीज़ की वैल्यू क्या है? आपकी लाइफ बेहतर हो। YouTube पे जिसके 1,00,000 भी सब्सक्राइबर्स होते हैं वो मोनेटाइज करता है, 1,00,000 क्या जब मिनिमम हो सकता है, खूब पैसा कमाते हैं, ब्रांड प्रमोशन करते हैं, साबुन तेल बेचते हैं बीच बीच में। आपका चैनल तो शायद देश में सबसे बड़ा चैनल है, आप चाहें तो कितना नहीं कमा लेंगे। मुझे कुछ दिन पहले एक एजेंसी के लोग मिले जिन्होंने बताया कि इनकी जैसी ख्याति है उस लेवल पर महीने में कोई 5-10 करोड़ भी कमाना चाहे तो कमा सकता है आराम से इस यूट्यूब चैनल से। तो मैंने पूछा कि वो कौन सी चीज़ है जो आपको इतना मजबूत बनाती है कि आप नहीं इस रास्ते पर जाते, मैं वो जानने में इंटरेस्टेड हूँ। तो 10 मिनट की बात के बाद मैं समझ में आ गया, क्योंकि अल्टीमेटली अगर मैं अपनी वैल्यू के खिलाफ चला गया तो खुश कैसे हो जाऊंगा? पैसा मुझे कैसे खुशी देगा जब मैं ही नहीं रहा, तो खुशी किस बात की? इसलिए इतना प्रैक्टिकल मत होना कि अपनी माँ के, पिता के, भाई बहन, दोस्त, जो प्रेमी प्रेमिका है, उनके इमोशंस के साथ खेलने लगो। इतना प्रैक्टिकल कभी मत होना, इतना इमोशनल मत होना कोई आपको बेवकूफ़ बना सके, बात बात पर बेवकूफ़ बनाता रहे। और बैलेंस, जिंदगी जो है ना वो मध्य मार्ग में है, जिंदगी एक्सट्रीम पे नहीं है, मध्य में है। तो प्रैक्टिकल और इमोशन का बैलेंस रखिए, लाइफ बढ़िया होगी। आपने सर इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, मेरे पास में कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। यूजुअली मेरे पास में कुछ होता है ऐड करने के लिए, लेकिन आपने पूरा ही उसका ऐसा निचोड़ निकाल दिया। आपने यूट्यूब पे इतना बोला कि सच में नहीं बचाऊंगा आपके पास। 6-7 साल पहले की बात है, मेरी एक स्टूडेंट थी जो सुसाइडल टेंडेंसी की शिकार थी उस समय। उसके घर में कुछ ऐसी ट्रेजेडी, उसकी मदर की डेथ हुई थी, और एक ऐसी ट्रेजेडी जो बहुत ही रेयर किस्म की ट्रेजेडी है जो शेयर करना ठीक नहीं है यहाँ। तो वो मेरे पास आई और मुझे लगा कि आज मैं पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से बात करूं जो डिप्रेशन में है और सुसाइड कर सकता है अगले 1-2 दिन के अंदर अंदर। अब मैं परेशान था कि मैं कैसे मैनेज करूं, और मुझे मोटिवेशन की ऐसी जानकारी उस समय तो बिल्कुल नहीं थी, बाद में थोड़ा बहुत पढ़ा।
तो मैंने उससे कहा कि अच्छा तुम घर जाओ, मैं कुछ देखता हूँ। फिर मैं घर गया, नेट पे सर्च करना शुरू किया, करते करते मुझे आपका एक वीडियो मिल गया, अनस्टॉपेबल शायद कुछ आपने को बनाया था उस समय। तो मैंने वो थोड़ा सा देखा 10 मिनट का, मुझे लगा कि ये जो है ना ये इंजेक्शन है किसी मतलब डिप्रेस व्यक्ति को तुरंत मोटिवेट करने के लिए। तो मुझे ध्यान है कि मैंने उसको वीडियो का लिंक भेजा, मैंने कहा देखो ज़िंदगी अपने रास्ते पर चलेगी, ठीक हो जाएगी, जब जब मूड ऐसा हो, बहुत डिप्रेसिंग हो, सुसाइडल मन करे, उस समय वीडियो देखना ध्यान से, और कम से कम उस बुरे फेज से बाहर निकल जाओगी। और फिर मैंने वो वीडियो अपने फैमिली में भी 2-3 बच्चों को भेजा, जो जो बच्चे उस क्राइसिस में होते थे। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ उन सब बच्चों की जान बचाने में, क्या बात कर, बड़ी भूमिका है। थैंक यू सो मच सर, इट मींस अ लॉट टू मी। देखो आपने बहुत बड़ी बात कह दी सर, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं नहीं नहीं, कई कई बच्चों की जान बचाई होगी आपने जरूर, जो वो एक मोमेंट होता है, उस मोमेंट में कोई बचा ले तो लोग बच जाते हैं, वो मोमेंट क्रॉस हो जाए तो फिर चीजें बिगड़ जाती हैं। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते सर, बोथ ऑफ यू, मैं हमेशा से आप दोनों की बहुत फैन रही हूँ। मुझे बस ऐसा लग रहा है कि मैं सपना देख रही हूँ, मेरे लिए रियलिटी नहीं है। मुझे बस आपसे ये जानना, मैं हर मतलब एवरीडे 8 से 10 आवर में पढ़ाई करती हूँ, बट मुझे कभी कभी बहुत डीमोटिवेशन आ जाता है कि होगा नहीं होगा, क्या होगा पता नहीं। देखिए डीमोटिवेशन अगर आपको दिन भर में 1 घंटे आता है। नहीं सर, ऑलमोस्ट टाइम पढ़ाई करने के बाद 2-3-4 दिन के बाद ही होता है कंटिन्यूअसली। अगर महीने में 4-5 बार आता है और 1-1 दिन के लिए आता है तो इसका मतलब आप एकदम ठीक हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको ये कहे कि मुझे डीमोटिवेशन कभी नहीं होता तो उसको इलाज की ज़रूरत है, आपको ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब आप अपने से बेहतर व्यक्ति को देखेंगे आपको थोड़ा सा इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, डीमोटिवेशन आएगा। जब आप अपने से कमज़ोर को देखेंगे आपको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन ज़्यादा हो जाएगा। जिस दिन टारगेट पूरा हो जाएगा मोटिवेशन आ जाएगा, जिस दिन टारगेट पूरा नहीं होगा डीमोटिवेशन आएगा। जिस दिन टेस्ट में आपके मार्क्स अच्छे आएंगे आप मोटिवेशन के साथ लौटेंगे, जिस दिन खराब आएंगे डीमोटिवेशन होगा। लेकिन ध्यान रखिए, जिस दिन आप मोटिवेटेड हैं उस दिन आप वजह बन गए कईयों के डीमोटिवेशन की। लगातार मोटिवेटेड होना एक मेंटल इलनेस की निशानी है, और लगातार डीमोटिवेटेड होना डिप्रेशन की निशानी है, इन दोनों से बचना है। तो डीमोटिवेशन की बहुत हाइप है, इतनी हाइप की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत हो एंजॉय कीजिए उसको। और जब जब लगे कि ज़िंदगी बहुत ख़राब चल रही है तो मैं जो करता हूँ अजीब सा लगेगा आपको, मैं कभी कभी शमशान घाट चला जाता हूँ। सच में चला जाता हूँ, या ट्रॉमा सेंटर चला जाता हूँ देखने के लिए। ट्रॉमा सेंटर में जाके 1 घंटा बैठ के आ जाइए, मोटिवेशन आ जाएगा। और शमशान घाट में जाके देख लीजिए कि हम जैसे हमसे कम उम्र के लोग वहाँ जल रहे होते हैं तो लगता है हम जिंदा तो हैं। अगर मैं थोड़ा सा कॉग्निटिव लेवल पर बात करूँ, एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट हुआ, उसका नाम है ब्रेंटानो, कभी सर्च कीजिएगा उसको। ब्रेंटानो ने ह्यूमन कॉन्शियसनेस को स्टडी किया और उसने ये बताया कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस की बेसिक नेचर है कि जो हमारे पास है वो हमें नज़र नहीं आता, जो नहीं है वो नजर आता है। तो द कॉन्शियसनेस ऑफ लैकिंग समथिंग इज द नेचर ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। इसलिए इसी बात को एक शेर में, बहुत प्रसिद्ध शेर में कहा गया है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल गया सो मिट्टी है, नहीं मिला वो सोना है। तो जो आपको नहीं मिलेगा ना हमेशा बड़ा होकर दिखेगा, जो मिलेगा छोटा हो जाएगा। तो ईमानदारी इसमें है कि जब जब डीमोटिवेशन और डिप्रेशन हो, एक कागज़ लेके बैठ जाइए और एक तरफ लिखिए मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्या क्या है जो दूसरों के पास नहीं है, पेज भर जाएगा पूरा। तो जो है उस पर ध्यान दीजिए और एन्जॉय कीजिए।